चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का जो हमारा सत्र है वो पार्ट सेवेंथ हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अष्टकुंभक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अष्टकुंभक का श्लोक दिया गया है, सूर्य भेदन उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्र का भ्रामरी मूर्छा प्लावनी च अष्टकुंभका। अष्टकुंभक की बात की गई है। तो आज के लेक्चर सेशन में हम आठ कुंभकों के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें से चार को एक भाग में डिवाइड किया गया है, चार को एक भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहले आज के लेक्चर में हम बस चार को ही पढ़ेंगे। वो चार जो हैं वो है, पहला सूर्य भेदन, दूसरा है उज्जयी, तीसरी है शीतकारी और चौथा है हमारा शीतली प्राणायाम। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कृष्णा अस्त्र योग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक कदम जो आप बढ़ा रहे हैं अपने लिए, ये सिर्फ कदम आपके लिए नहीं है, ये आपके माता पिता के सपनों के लिए भी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कृष्णा अस्त्र योग का मेन उद्देश्य है, उच्छिष्ट जागृत प्राप्य वरानी बोधत, अर्थात उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक बिल्कुल मत रुको। चलिए सो अब हम शुरू करते हैं। मनोमनी स्टेट थ्रू कुंभक का ये बता रहे हैं, कुंभक द्वारा मनोमनी जो अवस्था है, स्टेट है, उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया, जो पढ़ाएंगे हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, छोटे से छोटे शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य क्या है, आप सभी का सर्वांगीण विकास, साथ साथ अपना भी विकास। चलिए तो देख लेते हैं, ये बता रहे हैं सबसे पहले क्या, रेगुलर एंड प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। ये बता रहे हैं कि रेगुलर अर्थात लगातार प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, उचित अभ्यास करना है। किसका अभ्यास करना है? प्राणायाम का। तो ये बता रहे हैं प्राणायाम का नियमित एवं उचित अभ्यास हमें करना क्या है, प्राणायाम का रेगुलर और नियमित उचित अभ्यास करेंगे तो उससे होगा क्या। अब दूसरे चरण में इन्होंने बताया है, ऑल द नाड़ीज आर प्योरिफाइड। इससे ये होगा कि हमारी जो नाड़ियां हैं, जो 72,000 नाड़ियों की बात की गई है, 72,000 में से 72 मुख्य मानी गई हैं, फिर उन 72 में से 14 मुख्य नाड़ियां मानी गई, फिर उन 14 मुख्य नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ियां मानी गई, जिनका नाम है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो वो सारी नाड़ियां क्या होंगी, प्योरीफाई हो जाएंगी, शुद्ध हो जाएंगी। ऑल द नाड़ीज आर प्योरीफाई, सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। अब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी, फिर अगले चरण में ये बता रहे हैं, मरुत इंटर इंटू द सुषुम्ना। एक प्राणवायु है जिसे मरुत नाम दिया गया है, वो किसमें प्रवेश लेगा, वो प्रवेश लेगा सुषुम्ना में, ठीक है जी। और अब इसके बाद जो अंतिम चरण है ये बता रहे हैं, अटेनमेंट ऑफ मनोमनी स्टेट स्टेडीनेस ऑफ द माइंड। ये बता रहे हैं कि मनोमनी अवस्था मन की स्थिरता की प्राप्ति है। क्या है मनोमनी अवस्था या स्टेज? तो ये बता रहे हैं कि स्थिरता की अवस्था है, आप जब स्टेबल हो गए उस अवस्था में, वही क्या है, मनोमनी है। सबसे पहले क्या करना है, प्राणायाम का रेगुलर प्रैक्टिस और उचित अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद उसके स्वरूप से होगा क्या, तो बता रहे हैं ऑल द नाड़ीज आर प्यूरिफाई, सभी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, नाड़ियां शुद्ध हो गई तो मरुत प्राणवायु क्या करेगा, सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। इसके बाद क्या होगा, तो बता रहे हैं अटेनमेंट ऑफ मनोमनी स्टेट सिडनेस ऑफ द माइंड। क्या है ये, मन की स्थिरता की प्राप्ति है मनोमनी, ठीक है जी। चलिए अब हम थोड़ा सा हल्का सा विस्तृत में पढ़ लेते हैं। ये बता रहे हैं प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर मन में स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। जब प्राण है सुषुम्ना में प्रवेश करेगा तो मन में क्या होगा, स्थिरता आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, स्थित्व आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, मन का भली प्रकार स्थित हो जाना ही मनोमनी अवस्था है। और जब हमारा मन भली प्रकार से, ठीक प्रकार से, उचित प्रकार से व्यवस्थित हो गया, वही मनोमनी अवस्था है। वेन एयर प्राणा इंटर द सुषुम्ना स्टेबिलिटी इज क्रिएटेड इन द माइंड द स्टेट ऑफ माइंड बिकमिंग स्टेबल इज कॉल्ड मनोमनी स्टेट। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया है एक योगी का चित्र, जिसमें इन्होंने पद्मासन लगाया हुआ है, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बनाई हुई है, ईड़ा को नीचे रूट चक्र के पास दिखाया गया है, पिंगला को हृदय के जस्ट साइड में दिखाया गया है, इसके बाद सुषुम्ना नाड़ी को जो हमारा थोरैक्सिक वाला भाग है, चपटी बोन जिसे कहते हैं, जिसका नाम है फ्लैट बोन, उसे कहते हैं स्टर्नम बोन, वहाँ पर हृदय चक्र के पास भी इन्होंने सुषुम्ना नाड़ी का सिंबल दिखाया है,
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ये बता रहे हैं, एट टाइप ऑफ कुंभकास है बिन डिस्क्राइब टू अटेन द उन्मनी अवस्था। अब उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए आठ प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। अष्ट कुंभका अर्थात आठ कुंभक, तो अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी को ये जो श्लोक सामने दिखाई दे रहा है, विजुअल हो रहा है, करना क्या है, ये आप लोगों को कंठस्थ होना चाहिए। अगर आप इसे याद कर लेते हैं तब जाकर समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा में 100% अंक आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए पहले एक बार दो बार रिपीट करते हैं। सूर्य भेदन उज्जयी, सूर्य भेदनम उज्जयी, शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी च उष्ट कुंभका। ये बता रहे हैं सूर्य भेदन उज्जयी, शीतकारी शीतली, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी च अष्ट कुंभका, अर्थात आठ प्रकार के कुंभकों का वर्णन इन्होंने इतने छोटे से श्लोक के माध्यम से बता दिया। और ये श्लोक नंबर क्या है, 44 है, 42 44। तो चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। यूजीसी नेट में पूछता है जो कुंभक है उन कुंभकों को सही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो आपको अगर ये सिक्वेंस से आठों कुंभक याद रहेंगे तो आप इसे व्यवस्थित कर सकते हैं, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और आपसे हो नहीं पाएगा। तो देख लेते हैं, पहले नंबर पर सूर्य भेदन, दूसरे नंबर पर उज्जयी है, तीसरे नंबर पर शीतकारी है, चौथे नंबर पर शीतली है, पांचवें नंबर पर भस्त्रिका है, छठे नंबर पर भ्रामरी है, सप्त नंबर पर मूर्छा है और अष्ट नंबर पर प्लावनी है। चलिए इसी के साथ हमारा ये स्लाइड समाप्त हुआ, दूसरे स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, सूर्य भेदन सबसे फर्स्ट पे रखा गया था, फर्स्ट स्टेज जो था वो था हमारा सूर्य भेदन। तो चलिए अब सूर्य भेदन की क्रियाविधि देख लेते हैं, किस प्रकार से इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं उसको देखते हैं। तो ये बता रहे हैं, पूरका फ्रॉम द राइट नॉस्टल कुंभका एज मच एज पॉसिबल एंड रेचक फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सूर्यभेदी प्राणायाम। क्या बता रहे हैं, दाई से पूरक अर्थात राइट नॉस्टल से इनहेल करना यथासंभव कुंभक। कुंभका मीन्स होल्डिंग द ब्रेथ, सांसों को रोकना, बाईं से रेचक करना, रेचका मीन्स एक्सहेलिंग द ब्रेथ, लेफ्ट नॉस्टल से सांस को छोड़ना है, और फिर यही प्रक्रिया सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाती है। तो चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ सूर्यभेदी प्राणायाम करते कैसे। तो सबसे पहले हमें नासिकाग्र मुद्रा बनानी पड़ेगी। ये दो उंगलियों को ऐसे मोड़ लेंगे, लिटिल फिंगर रिंग फिंगर एक साथ, थंब अकेला होगा। आपको करना क्या है, दाईं से पूरक अर्थात क्लोज करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, इनहेल करेंगे राइट से। इसके बाद बोथ नॉस्ट्रल्स को हमने बंद कर लिया, क्लोज योर बोथ नॉस्ट्रल एंड माउथ, हेड डाउन चिन लॉक। अब हमने चिन लॉक कर लिया, तो ये क्या है, कुंभक है। अब धीरे से कुछ देर रुकने के बाद वापस आएंगे रेचका फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रल, और छोड़ना किससे, बाएं नासिका से। तो ये देखिए मैंने अपने दो उंगली हटा दिए और अब मैं सांस छोड़ रहा हूं। बस यही प्रोसेस था सूर्य भेदन प्राणायाम का। चलिए अब आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अदरवाइज मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी एक बार बता देता हूं। यहां पर देखिए एक योगिनी है जिनका पोस्चर यहां पर लगाया गया है, वो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर रही है। देखिए इनहेल थ्रू द राइट नॉस्टल, ये दाएं नासिका स्वर से देखिए सांस को ले रही है, थंब इधर हटाया है तो मतलब ये राइट साइड है। एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्टल, और राइट से सांस लेने के बाद नॉस्टल एंड माउथ को क्लोज कर लिया, चिन लॉक किया, फिर वापस आने के बाद लेफ्ट नॉस्टल से सांस निकाल दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सूर्यभेदन प्राणायाम कहलाता है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स के बारे में चलिए देख लेते हैं। लाभ क्या है, तो ये बता रहे हैं क्लीननेस द फ्रंटल साइनस कपाल शोधनम। फ्रंटल साइनस जो हमारा सामने वाला नॉस्टल है, जिसे हम फ्रंटल साइनस, स्थोनोइड, स्थोमोइड और मैक्सिलरी साइनस की संज्ञा देते हैं, उसमें जो फर्स्ट चरण में आता है उसका नाम है फ्रंटल साइनस, अग्र वाला भाग, तो उसका क्या करता है, शोधन करता है, प्यूरिफिकेशन, ठीक है जी। उसको क्या कहते हैं, कपाल शोधनम, अर्थात हमारा कपाल शुद्ध हो जाता है। डिस्ट्रॉयज डिजीजेस कॉसेस बाय वात दोषा,
वात दोष के द्वारा उत्पन्न जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनको क्या करता है, समाप्त करता है। डिस्ट्रॉय डिजीजेस कॉसेस बाय वॉर्म्स, ये बता रहे हैं वॉर्म्स अर्थात जो परजीवी, अर्थात जो दूसरे के जीवन से जीवन जीते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। तो वो जैसे फीता क्रीम कहते हैं, फीता क्रीम क्या है, पेट में पड़ने वाले कीड़े जिसे हम केचुआ कहते हैं, या फिर छोटे छोटे कीड़े भी आप कह सकते हैं जो हमारे पेट में पैदा होते हैं। तो हमारे सूर्य भेदन प्राणायाम करने से क्या होगा, बॉडी में हीट जनरेट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फल स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाएगी। चलिए ये स्लाइड हमारी समाप्त हो गई, हमने सूर्य भेदन प्राणायाम पढ़ लिया और उसके बेनिफिट्स को देख लिया। अब पढ़ेंगे उज्जयी, जो हमारा, हम उज्जयी के बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। उज्जयी क्या है, आफ्टर क्लोजिंग द माउथ टेक इन द एयर स्लोली थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स विद सम साउंड इन सच ए वे दैट वन कैन फील इट्स टच फ्रॉम द थ्रोट टू द हार्ट रीजन वाइल डूइंग कुंभ का ब्रीदिंग शुड बी डन थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल्स सिमिलर टू सूर्य भेदना। ये क्या बता रहे हैं, सिमिलर अर्थात सूर्य भेदन से मिलता जुलता है। तो करना कैसे, जब हम इनहेल करेंगे तो गले को थोड़ा सा संकुचित करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है और उससे साउंड क्रिएट करना है। साउंड क्रिएट करके फिर क्या करेंगे, हमें इसे चिन लॉक के द्वारा बंद कर लेना है, गले को लॉक करना है। इसके बाद फिर वापस आएंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को निकाल देंगे। ये प्रोसेस है। तो चलिए मैं एक बार करके दिखाता हूँ कैसे करना है। जब आप इसे ठीक प्रकार से करते हैं तो आपको खांसी आना स्वाभाविक है। तो आपने ये कर लिया, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर निकाल करके आपको इसका समापन करते हैं। तो चलिए अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या बता रहा है ये बेनिफिट, क्या लाभ है इसके, तो बता रहे हैं रिमूव थ्रॉट डिजीजेस कॉसेस बाय फ्लेगम। ये कह रहे हैं कि थ्रॉट, गले से संबंधित जो व्याधियां हैं, कफ से संबंधित जो विकार हैं, उन्हें क्या करता है, दूर कर देता है। इंक्रीजेज द गैस्ट्रिक फायर, और जो हमारे पाचकनी है उसे बढ़ाने का कार्य करता है, जठराग्नि को बढ़ाने का कार्य करता है। डिस्ट्रॉय डिजीजेस फ्रॉम द नाड़ीज, नाड़ियों में आई हुई विशुद्धियों को दूर करता है। जलोदर, एसआईटी से संबंधित प्रॉब्लम को भी ये क्या करता है, दूर करता है। चलिए, एंड कॉसेस ऑफ धातुस, और जो हमारे शरीर में धातु से संबंधित कमियां आ जाती हैं उन्हें भी ठीक करता है। अब तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है शीतकारी। शीतकारी अर्थात सी सी आवाज के साथ उत्पन्न करने वाला ये अभ्यास है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। थ्रू द माउथ द साउंड सी शुड बी प्रोटेक्टेड वाइल इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग शुड बी डन ओनली थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो ये क्या बता रहे हैं, मुख से सी सी की आवाज उत्पन्न करना है, करते हुए पूरा करना चाहिए। जब आप सांस ले रहे हैं तभी सी सी आवाज आनी चाहिए और रेचक करना है, ठीक है, केवल नासिका से ही करना है रेचक, ठीक है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इनहेल इन्होंने किया है किससे, तित से, और एक्सहेल किया इन्होंने नॉस्ट्रिल से। तो यहाँ पर कोई हाथ लगाने से संबंधित बात नहीं की गई है। तो करना कैसे, आपको शीतकारी में आपको दोनों होठों को ऊपर लेके जाने हैं, अपर जा और लोअर जा के जो हमारे दांत हैं उन दांतों को मिलाना है और सी का आवाज करना है, हेड को नीचे करना है, चिन लॉक लगाने हैं एंड देन आपको निकाल देने हैं श्वास को बाहर। तो चलिए अब शुरू करते हैं, एक बार दांत को मिला लेते हैं। ये मैंने सांस को निकाल दिया। तो हाथ लगाने का मेन उद्देश्य क्या है, सांसों पर कंट्रोल। जब आपके अंदर सांसों पर कंट्रोल आ जाए तो हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इसके बेनिफिट्स, लाभ के बारे में बात करते हैं। बेनिफिट्स, बिकम चार्मिंग लाइक द गॉड ऑफ लव कामदेवा।
ये क्या बता रहे हैं कि प्रेम के जो देवता हैं कामदेव, उनकी तरह क्या होता है, चेहरे पर चमक आ जाता है, प्रसन्न चित, शरीर में सुगंध आने लग जाती है, ये बता रहे हैं। अब दूसरी लाइन में पढ़ते हैं, ही इज एडमायर्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय योगिनीज। ये कह रहे हैं योगिनियों द्वारा इनकी प्रशंसा और सम्मान किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रशंसा किया जाता है, सम्मान किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका प्रशंसा हो, सम्मान मिले। तो अगर आप शीतकारी का अभ्यास करते हैं तो आपको प्रशंसा और सम्मान मिलेगा। He is capable of creating and destroying the universe। ये क्या कह रहे हैं कि उस इंसान के अंदर इतना सामर्थ्य आ जाता है, योग्यता आ जाता है कि वो क्या कर सकता है, ब्रह्मांड को नष्ट भी कर सकता है और ब्रह्मांड को बनाकर क्रिएटर भी बन सकता है। इसके बाद इन्होंने बताया है, He never feels hungry, thirsty, sleepy and lazy। He never, वो कभी नहीं फील करता है क्या, hungry अर्थात भूखा, thirsty अर्थात प्यासा, sleepy अर्थात निद्रा के वश में, lazy अर्थात आलस्य के वश में वो कभी नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे चौथा शीतली प्राणायाम या शीतली कुंभक। तो चलिए अब हम शीतली के बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये बता रहे हैं कैसे करना है, प्रोसेस को देख लेते हैं। इनहेलिंग बाय द टंग, क्या करना है, सांसों के को जो लेना है वो टंग के द्वारा लेना है। कुंभ का रिटेंशन ऑफ ब्रेथ शुड बी परफॉर्म्ड एज बिफोर एंड देन द वाइस योगी शुड एक्सहेल स्लोली थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल। क्या करना है, बोथ नॉस्ट्रिल से सांसों को निकालना है। चलिए अब देख लेते हैं हिंदी में अनुवाद क्या बताते हैं। जीभ को गोल करके, क्या करना है, जीभ को पहले गोल करना, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं, जीभ को गोल कर लिया। जीभ द्वारा वायु को खींचते हैं, और ये सिर्फ जीभ को गोल ही नहीं करना है, जीभ से वायु को खींचना भी है, खींचना है। पेट को, वायु को पेट में भरकर कुंभक करना है, और जब हमने सांस ले लिया ऐसे करके भर लिया पेट में सांस, अब कुछ देर क्या करना है, कुंभक करना है, होल्डिंग द ब्रेथ, सांस को रोक लेना है। उसके पश्चात साधक को धीरे धीरे नासिका छिद्रों से रेचन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, हाथ लगा भी, उंगली लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते, जब आपकी साधना बढ़ गई है, आपने चिन लॉक किया था, इसके बाद आप ऊपर आए, दोनों नॉस्ट्रल से सांस धीरे धीरे छोड़ दीजिए, अगर और ज्यादा समर्थ है आपके अंदर तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से छोड़ दीजिए। चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये बता रहे हैं शीतली कुंभका डिस्ट्रॉयज ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक गॉल स्टोन्स, स्प्लीन, फीवर, बाइल, हंगर, थ्रस्टी etc एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ये क्या कह रहे हैं, शीतली का अगर हम अभ्यास करते हैं तो ये क्या करेगा, सभी प्रकार के जो बीमारियां हैं उनको नष्ट कर देगा, चाहे वो गॉल स्टोन से संबंधित हो, चाहे स्प्लीन तिल्ली से संबंधित हो, फीवर चाहे बुखार से संबंधित हो, बाइल अर्थात पित्त से संबंधित हो, हंगर अर्थात भूख से संबंधित हो, थ्रस्टी अर्थात प्यास से संबंधित हो, etc। ये इतना ही नहीं, और भी बीमारियों पर शीतली के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। एंड ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ पॉइजन्स, और ये प्रभाव जहर पर भी बड़ा असरकारी, अगर व्यक्ति ने जहर भी ले लिया तो भी वो बच सकता है शीतली का अगर अभ्यास करता है तो। चलिए अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे इस चैनल को वॉच किया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉलो भी ज़रूर करें। ये देखिए हम आपको कृष्णा अष्टरा योग जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसके बाद PYQ भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, और जैसे ही आप मेरी ये वीडियो देखेंगे इसके बाद तुरंत दूसरी स्लाइड में आपको हमारी न्यू वीडियो भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का दिन मंगलमय हो, हर हर महादेव।